दुनिया के सबसे कामयाब और नामी फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर आते हैं, क्रिस्टोफर नॉलन उनमें से एक है। बैटमैन को स्क्रीन पर पूरी ग्लोरी के साथ दोबारा बड़ी स्क्रीन पर लाने वाले नॉलन की पिछली तीन फिल्मों के नाम है इंटरस्टेलर, डनकर्क और टेनेट। सिनेमा की तकनीक से खेलने वाले और दिमाग को नचा कर रख देने वाले कॉन्सेप्ट फिल्मों में लाने वाले नॉलन अब अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। नोलन के ओपनहाइमर लेजेंड साइंटिस्ट की कहानी है जिसे दुनिया फादर ऑफ एटम बम बुलाती है। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जहां दुनिया के पहले न्यूक्लियर हथियार तैयार हुए। यही बने बम अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू में जापान पर गिराए थे और युद्धों को इतिहास हमेशा के लिए बदल गया था। इन्हीं ओपनहाइमर की कहानी का क्रेज दुनिया भर के सिनेमा फैंस के सर चढ़ा हुआ है और इस मामले में इंडियन जनता भी पीछे नहीं है। ओपनहाइमर 21 जुलाई शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग का क्रेज ऐसा है कि देश की तीन बड़ी नेशनल चेन्स में अब तक 90,000 टिकट्स एडवांस में बुक हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि रिलीज होने तक फिल्म की एडवांस बुकिंग का ये आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुँच जाएगा। लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी चर्चित और बड़े स्टार्स की इंडियन फिल्में नेशनल चेन्स में ऐसी एडवांस बुकिंग नहीं देख पाई है। इनमें अक्षय कुमार से लेकर ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और सलमान खान जैसे स्टार्स की फिल्में भी है। ओपनहाइमर का क्रेज ऐसा है कि मुंबई के थाने में एक थिएटर में तो फिल्म का पहला शो 20 जुलाई की रात 11:59 पर चलने वाला है, यानी टेक्निकल ये शो फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट से भी पहले चलेगा। सुबह 3 बजे के आसपास भी मुंबई में कई शोज हैं, लेकिन इनमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। लगभग आईमैक्स थिएटर्स में एडवांस बुकिंग में ही शोज चढ़ने के बहुत करीब है। जहां सीटें हैं वहां आगे की लाइन में कुछ गिनी चुनी सीटें हैं। दिल्ली में भी फिल्म के शोज का ऐसा ही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीटीवी भारत।